Good morning, my dear children. So, children, in this class, we are going to talk about cleanliness. Okay, बच्चों, इस क्लास में हम cleanliness के बारे में बात करेंगे. वो है साफ सफाई. ठीक है, cleanliness. Clean मतलब क्या होता है? साफ. साफ है ना. और cleanliness भी साफ सफाई. ठीक है, तो you all know that we should keep our surroundings clean, our home clean, ourselves clean. आपको कैसे रखना है ये भी आपको पता है और क्यों रखना भी पता है ना. अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वहां क्या हो जाएंगे? जर्म्स हो जाएंगे एंड वायरस आ जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे. और हमें बीमार नहीं होना है तो आपको क्या करना है? अपने आप को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को क्या रखना है? क्लीन रखना है ना बच्चों. तो और आज हम सीखेंगे कि अपने आप को मतलब अपनी साफ सफाई हम कैसे रखेंगे. विल टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन. इन दिस क्लास विल टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन. ठीक है, तो हम अपने आप को कैसे साफ रखें? तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ब्रश योर टीथ. अपने आप को साफ रखने के लिए आप पहला काम क्या करोगे? यू विल ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. आपको दिन में दो बार क्या करना है? अपने टीथ को ब्रश करना है. जो टीथ में जर्म्स हैं वो क्या होंगे? भाग जाएंगे. कब कब करना है? हमने आपको बताया, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में व्हेन यू गो टू योर बेड बिफोर दैट. ओके, जब आप सोने जाते हो उससे पहले आपको क्या करना है? बिफोर गोइंग टू बेड यू विल ब्रश योर टीथ. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, आप अपने आप को कैसे रखोगे? वॉश योर हैंड्स. आपको क्या करना है? वेन एवर यू टच एनीथिंग, जब भी आप कोई चीज टच करते हो, यू विल वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. आपको पता है प्रॉपर हैंड्स वॉश करने का तरीका क्या है? आपको पता है ना, आपको हैंड वॉश या साबुन से प्रॉपर अपने हैंड्स को वॉश करना है. और जब भी आप खाना खाते हो उससे प्रॉपरली, उससे पहले यू विल वॉश योर हैंड्स. और हाँ, मैंने एक चीज देखा, आप अपने हैंड्स तो अच्छे से वॉश करते हो बट यू डोंट वाइप योर हैंड्स विद अ टॉवल. आप क्या करते हो? ऐसे 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 करते हो. ये अच्छी बात है? नहीं है ना. तो यू विल वॉश योर हैंड्स, आफ्टर दैट यू विल वाइप योर हैंड्स. अपने हैंड्स को अच्छे से टॉवल से पोछोगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद यू विल ईट एनीथिंग. ओके, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू, टेक बाथ डेली. आपको क्या करना है? डेली नहाना है. ठीक है, आजकल तो वैसे ही कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है. इतना ह्यूमिड होता है ना, कितनी गर्मी सी होती है. तो आप ट्वाइस अ डे भी नहा सकते हो. अगर आप ट्वाइस अ डे नहीं नहाते हो तो मॉर्निंग में हमेशा नहाना है आपको. ठीक है, आप नहाना है, अपने हेयर कॉम्ब करने हैं, अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना है, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना है. ठीक है, ड्रेसअप करने का मतलब नहीं कि न्यू क्लोथ पहनने. आप कोई भी क्लोथ पहन रहे हो लेकिन नीट एंड क्लोथ, नीट एंड क्लीन क्लोथ आपको पहनने हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग, कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग. ठीक है, आपको जब भी क्या आती है? स्नीज होता है, खांसी आती है, व्हाट विल यू डू? यू विल कवर योर माउथ. आपको ऐसे खुले में नहीं करना है, है ना. व्हेनेवर जब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे स्नीजिंग होने वाला है, मुझे स्नीज आने वाली है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल कवर योर नोज, योर माउथ लाइक दिस एंड एक्सक्यूज मी. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? क्या होगा? किसी भी टिश्यू से, हैंड से, टॉवल से, हैंकी से आप अपने माउथ को और अपने नोज को कवर करोगे तो वो जर्म्स क्या होंगे? उसमें आएंगे. उसके बाद आप उस हैंकी को, उस टॉवल को क्या कर लोगे? वॉश कर लोगे तो जर्म्स मर जाएंगे. अगर आप ऐसे ही कर लोगे तो क्या होगा? सारे जर्म्स वहां गिर जाएंगे. जो भी आपका फ्रेंड बैठा है, आपके मम्मा पापा बैठे हैं, जर्म्स उनके ऊपर गिर जाएंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे. तो ये तो गलत बात है, वो भी बीमार हो जाएंगे सब, तो है ना. तो क्या करोगे? यू विल ऑलवेज कवर योर माउथ, योर नोज व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग. ठीक है बच्चों, ये आज आपने क्या सीखा? पर्सनल हाइजीन के बारे में सीखा कि और आप कैसे अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हो. ठीक है, आज से आप डेली ये जो मैम ने बातें बताई इनको फॉलो करोगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.